पापा। हाँ बेटा। 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दो मेरे को, एक काम है छोटा सा। 10,000 रुपये? लेकिन बेटा अभी पिछले ही हफ्ते तो दिए थे तुझे, क्या हुआ वो पैसे? वो उसका तो मैंने बुलेट पे साइलेंसर लगवा लिया। 10,000 का साइलेंसर? हाँ। अरे ऐसा कौन सा साइलेंसर लगवा लिया बेटा? अरे हम यंगस्टर्स के मतलब की चीज़ है यार, आपको समझ में नहीं आएगा। आप पैसे भेज दो फिलहाल, रोड ट्रिप पर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ। क्या जरूरत है बेटा ट्रिप पे जाने की? और अगर कुछ जाना भी है तो अगले महीने चले जाना। क्या करूँ अगले महीने जाकर, मेरे सारे दोस्त कल जा रहे हैं तो मैं भी कल ही जाऊंगा। पैसे भेजो आप। नहीं बेटा, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता। और फिर तुम भी तो कुछ एडजस्ट करो, आखिर मैं एक सैलरीड पर्सन ही तो हूँ, कहाँ से लाऊँ इतना पैसा? हर जगह हम ही एडजस्ट करें ना बस, आप एडजस्ट मत करना कहीं पे। यार आपकी खुद की लाइफ इतनी बोरिंग हो रखी है और ये चाहते हो कि हमारी लाइफ ही बोरिंग हो जाए? बेटा ये कैसी बातें कर? कैसी बातें नहीं कर रहा हूँ पापा, सही बातें कर रहा हूँ एकदम। है ही क्या आपकी लाइफ में? ऑफिस घर, ऑफिस घर, ऑफिस घर। आपने किया क्या आज तक मेरे लिए? गाड़ी मांगी थी मैंने आपसे, नहीं दिलवाई। पैसे मांगते हो तो पैसे नहीं होते आपके पास, अब ट्रिप पे जाना है तो फिर पैसे नहीं आपके पास। जिंदगी बर्बाद करनी तो ऐसी बोल दो ना, ये पैसे का बहाना क्यों दे रहे हो बार बार? नहीं बेटा मैं तो सिर्फ पापा और एडजस्ट नहीं कर सकता मैं आपके साथ। आपको पता है मैं अच्छी लाइफ क्यों नहीं दे पा रहे हो? आपको पता ही नहीं है कि यंगस्टर्स की लाइफ होती कैसी है, कभी जी नहीं आपने? देखो बेटा पैसों की बात है। पापा नहीं चाहिए मेरे को आपके पैसे, खुद अरेंज कर लूंगा मैं। तू ठीक कह रहा था बेटा, अच्छा किया तूने पापा से ये सब बोल दिया। एक्चुअली हमारी लाइफ में फन है ही नहीं। और तुझे कितने पैसे चाहिए? 10,000। 10,000? बेटा 10,000 मेरे पास हैं तो सही, मगर मैं तुझे दे नहीं सकती, मैं किसी और चीज के लिए सेव कर रही हूँ। किस चीज के लिए? वो मैं सोच रही थी कि मैं और तेरे पापा तेरी नई बाइक पे एक रोड ट्रिप पे निकल जाए। रोड ट्रिप पे जाओगे आप? हाँ हम दोनों जाएंगे रोड ट्रिप पे, कितना मजा आएगा, कितना फन होगा। इनफैक्ट हम दोनों तो एक और हनीमून भी प्लान कर रहे हैं। हनीमून? हाँ हनीमून, बस जगह डिसाइड होनी रह गई है, मॉरिशियस या गोवा। क्या इस उम्र में आप हनीमून पे जाओगे माँ? हाँ। लोगों के बारे में सोचा है, लोग क्या कहेंगे माँ? अरे लोगों का क्या है, लोग तो कहते रहते हैं, लोगों की वजह से हम फन करना छोड़ देंगे। तो खुद सोच, मैं और तेरे पापा एक बीच पे अकेले बैठे हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं और बियर पी रहे हैं। बियर? हाँ बियर। आप और पापा बियर पियोगे? हाँ। अरे कितना मजा आएगा। और वो तुम यंगस्टर्स क्या कहते हो, स्मोक अप? स्मोक अप? हाँ स्मोक अप। और उसके बाद एवरीथिंग फील्स लाइक हेवन। कुछ भी बोल रहे हो क्या माँ, दिमाग ठीक है आपका? अभी तो तू कह रहा था आप फन नहीं करते, आपकी लाइफ में फन नहीं है, अब जब हम फन करने की सोच रहे हैं तो तू मुंह बना रहा है। क्या दिमाग खराब हो गया मैं आपका? बियर, स्मोकअप, स्मोकअप का मतलब ही पता है आपको? इस उम्र में ये सब करोगे अच्छा लगेगा? बेटा जो तू अपनी उम्र में कर रहा है वो सब तुझे अच्छा लगता है? क्या कहता है तू अपने पापा को कि उन्होंने तेरे लिए किया ही क्या है? हाँ बेटा कुछ नहीं किया उन्होंने तेरे लिए, तुझे सिर्फ पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि आज तू मेरे सामने खड़ा है। उन्होंने तेरी हर ख्वाहिश पूरी करी, तेरी हर मांग पूरी करी, तेरे खर्चे उठाए, उन्होंने लोन लेके तुझे बाइक दिलाई ताकि तेरे फेस पे स्माइल आ सके। और रिटर्न में तू उनको क्या बोला कि आपकी लाइफ में फन नहीं है, आप कुछ करते नहीं हो। अरे बेटा हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हम पेरेंट्स की लाइफ का फन तो ना तुम जैसे बच्चों को पालने में सेक्रीफाइस हो जाता है। और ये सब तू क्यों समझेगा, मगर अब हम लोग समझ गए, अब हम सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। और तू क्या कह रहा था कि तू सब मैनेज कर लेगा, तो बेटा आज से अपने कॉलेज की फीस मैनेज कर, अपनी बाइक की इंस्टॉलमेंट मैनेज कर, और ये जो ब्रांडेड कपड़े पहनता है ना उसको खुद खरीदना। और जो पापा को कह रहा था ना कि 10,000 रुपए मैं खुद अरेंज कर लूंगा, तो वो भी खुद अरेंज कर, क्योंकि बेटा अब हम तो तुझे पैसे दे नहीं पाएंगे, आखिर हमें भी तो अपनी लाइफ के फन के बारे में सोचना है ना बेटा। नहीं माँ, आई एम सॉरी, मैं गलत था। सॉरी मुझसे नहीं, अपने पापा से जाके बोल।
पापा पापा आई एम सॉरी, मुझे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए थी आपसे। और हाँ, आई प्रॉमिस ऐसा दोबारा नहीं होगा, और मैं ये फिजूल खर्ची के पैसे ये भी आपसे नहीं लूंगा आज के बाद। चलता हूँ, मैं कॉलेज के लिए लेट हो रहा हूँ। तुमने इसे कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं कहा, मैं मटर ला रही हूँ, छीलो बैठ के। मटर? Always appreciate your parents because you don't know what sacrifices they went through just for your happiness. That's it for this film. I'll see you guys next week.